हेलो फ्रेंड्स, मुझे अक्षय आपण मानक स्वागत जनाऊँ आम चैनल फोकस योर करियर। तो आज आपन को बहुत बढ़िया जॉब रो नोटिफिकेशन डिक्लेयर मुझे जनवाक चाहूँ जार वेटिंग समस्त जहाँ हूँ आरए रेवेन्यू इंस्पेक्टर। यही जॉब आरए अमीन आउ एआरए रो नोटिफिकेशन बहुत दिन आम अपेक्षा करूँ। तो कोरोना समय 2020 हिं यार अनाउंसमेंट करते किंतु तार प्रॉपर किसी डिक्लेयर कर नथिले। किंतु आज 22/6/2021 रे लेटर नंबर आप देखिपे 6/18/22/6/2021 रे बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट डिक्लेयर करछंती जे आरए रो एट देखु तो 586 वैकेंसी पूरा ऑल ओवर स्टेट वाइज आमर जेतिकी ओडिशा स्टेट हिसाब रे रेवेन्यू इंस्पेक्टर रो डिक्लेयर कर देलेनी। तार ऑनलाइन अप्लाई करिया स्टार्टिंग डेट होची 24 तारीख एवं तार सबमिशन करिया लास्ट डेट होची 30 तारीख। तो एठे आपण पूरा तार इवेंट कोन कोन सब पूरा देखि पारथु आपण जे 24 तारीख रु यहा आरंभ। तो यहा आपण ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे otriplec.gov.in रे जाई के आपण ए पोस्ट को अप्लाई करि परबे। otriplec माने ओडिशा सब ऑर्डिनेंस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। तो ओडिशा सब ऑर्डिनेंस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यही पोस्ट को डिक्लेयर कर सारी। तो चलो तो देखिए या विषय में किसी ना कौन कौन वैकेंसी कोठी केमिति अछि कौन। तो सब डिटेल्स मु आपन को आज क्लियरली कवर करिया जाउछि। तो चलो तो देखिए। तो फ्रेंड्स आपन देखि पारथुए ए नोटिस टी पूरा ऑफिशियली अछि। नोटिस रो लिंक भी मते तळे डिस्क्रिप्शन रे दे देबी जहाँ माध्यम रे आपन ए नोटिस को भलो भाव रे पढ़ी पारिबे आउ देखि पारिबे। आउ ए नोटिस रे सब कैटेगरी वाइज भी तांग डिक्लेयर कर दी छथि माने बहुत ब्रीफली मेंशन कर छथि जे एससी एसटी फिजिकली डिसेबिलिटी पई भी अछि। तो तार एनएक्सएस रे भी जणै छन से को डिस्ट्रिक्ट रे केते केते वैकेंसीज अछि। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ए पोस्ट को डिक्लेयर कर छथि। तो यहाँ आपन प्रथम क्लियर हे जानतु जे एटा ओडिसा तरफ रे डिक्लेयर हे छि आउ यहाँ हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिक्लेयर कराई। तो यही पोस्ट वैकेंसी तो आप देख सारे उपर मुझे देखे थी वैकेंसी पुणी थोड़े देखे दूसरी यही पोस्टर टोटल वैकेंसी होती 586। ठीक अच्छे 586 वैकेंसी नहीं कि ओडिशा गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर रो बहुत ही जल्दी यही जो वैकेंसीटा नहीं कि बहुत ही भल बहुत ही खुशी न्यूज नहीं कि कोरोना समय रे। तो यार देखो तो रेम्युनरेशन हो 35,000 जहाँ जो पे स्केल हो 35,400 जहाँ हूँ 9th लेवल रे जीवो किंतु आपन जो मंथली जो मिली 16,880 अच्छी। तो ईपीएफ ईएसआई जहाँ सब अच्छे से सब कटिके आपन को जहाँ जो पैसा मिलो जो सैलरी रही से पैकेजटा रो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे आपन को। तो आप सब जानते सब गवर्नमेंट जॉब जहाँ सब अच्छे सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो सारी। तो यही पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही आपन को प्रथम मिली जो जो मैंने प्रथम फेज टी क्लीयर करेंगे प्रथम अच्छे पेपर वन नेक्स्ट पेपर टू तापर डॉक्यूमेंटेशन तापर भाइबा तापर इंटरव्यू यहीपर भाव में सबकि स्टेप अच्छे मुझे धीरे धीरे कर सब डिटेल्स मुझे देखा देती जहाँ माध्यम आप गोटे भिडियो सब डिटेल्स जापरेंगे थे देखने आप जानपरिया बारंबार नोटिस देखा दरकार पड़ोनी। तो देखो ये भाव में आपन को कंट्राक्चुअल रो तो पोस्ट ये भाव में कंट्राक्चुअल बेसिस रेवेन्यू इंस्पेक्टर रो। तो गवर्नमेंट तो अनाउंस कर सारी फाइव इयर पर जो सब कंट्राक्चुअल सब एम्प्लॉय अच्छा से गुड़िक रिन्यूअल माने रेगुलर करा जीवो बोली। तो ये किसी टेंशन नवाटे ना। तो जो व्यक्ति मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ये पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलो तो देखिए ये पोस्ट में एलिजिबिलिटी कौन 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 क्राइटेरिया मेंशन करते कौन डिफरेंस कौन करथर। तो देखिए ये अच्छे एज रिलैक्सेशन ये मेंशन करते 20 ईयर रु 32 ईयर मध्य आपण को एज रही आवश्यक 32 ईयर पर्यंत ताध्यम कहते एससी एसटी आउ वुमेन्स एक्स सर्विस जो मैंने से 5 ईयर रिलैक्सेशन ये मेंशन करते। तो ये देखिपे 3 नंबर पेज नंबर 2 रो जो यही सब मेंशन करते। तो 1 जनवरी 2021 हिसाब से पर्सन एज 22 रु यानी कि माने 20 रु 32 एज भितर रहा दरकार जदि जनरल अच्छा एससी एसटी आउ फिजिकल डिसेबिलिटी आउ वुमेन्स एक्स सर्विस जहाँ सब अच्छा 5 ईयर रिलैक्सेशन प्रेजेंट करते। तो से गोटे बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी। तो ये पोस्ट को सेने अप्लाई करेंगे किसी असुविधा ना। तो आप ये सब देखिपे सब गाइडलाइंस भी मेनसन करते आ बहुत किसी पॉलिसी भी प्रोवाइड करते जो भाव में ये आप देखिपे ये रूल जो गुट प्रोवाइड कर 2030 जो मैंने जो अप्लाई करते जो गोटे इश्यू गोटे होता 2030 से मैंने ये पोस्ट को अप्लाई करेंगे ड्यू टू दिस ऑल द इनफॉरमेशन सब डिक्लेयरली पूरा कर देते ये। तो से पोस्ट को अप्लाई करें किसी असुविधा ना। आपंकर एज टी आप टेन्थ सर्टिफिकेट हिसाब से ही देखा आप आधार कार्ड टेन्थ सर्टिफिकेट जब अलग अच्छे तालोले एवं करेक्शन कर दिंतु कारण ये टेन्थ सर्टिफिकेट
आपण एज हिसाब से ही आपको एठी एज रो जो एलिजिबिलिटी अच्छे ताहा से मागिचंदी। तो ये देखो जो क्वालिफिकेशन मागिचंदी एठी अच्छे बैचलर डिग्री द ऑर्डर ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट हैव बीन पास बैचलर डिग्री आपण बैचलर डिग्री जदि अछंती एनी आपणर जो यूनिवर्सिटी आपण जदि भारत नागरिक अच्छा आपण जब ओडिशा रे रोचन तो आप ये पोस्ट को अप्लाई करि परि किछ असुविधा ने आपण कंप्यूटर नॉलेज भी अच्छे तो ताठार बहुत बेनिफिट रहबो तो आपण ए पोस्ट को अप्लाई करि परि बैचलर डिग्री रहबाटा नित्यांत आवश्यक। तो यह आपण जानंतु यह गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आपण आउडी देखिबा द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन स्पोक इंग्लिश ओडिया ओडिया इंग्लिश सब आपण जो स्पोकन तो बहुत ठीक रहा है। तो आप स्पोकन स्किल तापर आपण जो स्कूल मीडियम आपण ओडिया रहा दरकार किसी इंग्लिश मीडियम पिला जो मानकर ओडिया ना तो से ओडिया एग्जाम दे नित्यांत आवश्यक ना आप पोस्ट को अप्लाई करें। तो मुझे आउ गए इंपोर्टेंट कथ कहीदे ये पोस्ट को अप्लाई करने आपर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रहा दरकार एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नथिले आपण ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे नै काहेकि ना ओडिसा सबऑर्डिनेंस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे आपण को एम्प्लॉयमेंट नित्यांत आवश्यक रुहे एठी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मागे जेतेबेला आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे। तो सेतपय बोली एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपण जदि करिनांते ताहले जथाशीघ्र जाइके एम्प्लॉयमेंट कर दियंतु अल्प दिन रे हे जाउछ 7 डेज रे हे जाउछ यार डेट मध्ये अछि तो लेट न करी आपण एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर दियंतु। तो ये भाव में अच्छे ये गोटे भल जिन गोटे मेनसन कर एक्जामेसन जो फिज अच्छी से फिज पाए बोली ये मेनसन कर एससी एसटी किसी ना बाकी जो मैंने अच्छा से 100 रुपीज पे करेंगे ये लिखिदेन से 100 रुपीज पे करेंगे टिल 20 मैंने 24 रु 23 पर्यंत टाइम अच्छे। तो अनलाइन मैंने पे करेंगे जो अनलाइन ऑफलाइन ट्रेजरी चालान जाए पे करेंगे जदि ट्रेजरी चालान होनी कोरोना जो असुविधा हो तो आप ऑनलाइन जाइए IFMS को जाइए आप ट्रेजरी चालान पे करें। तो यही मध्यम यहाँ मेनसन कर ओडिशा ट्रेजरी पोर्टाल जाइए तुम पे कर जो चालान जो अच्छे ऑनलाइन फिलअप कलापर तक जो चालान प्रोसेस दूसरी से प्रोसेस आप चालान टी पे करेंगे। फ्रेंड्स यार अप्लाई करेंगे लास्ट डेट हूँ 30 जुलाई पर्यटन यार लास्ट डेट अच्छे 24 तारीख रहा आरंभ। तो आराम से आप जाइए OSSC.gov.in जाइए आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे। ये पोस्ट को किभ भाव में अप्लाई करेंगे मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको गोटे वीडियो भी करदेवि जो मध्यम आप्लाय कर प्रोसेस देखीदे। नेक्स्ट आपण एसआई रे वीडियो दुई दिन में आपको क्लीयरली डिक्लेयर करदेवि जहाँ मध्यम आप जानपरेंगे जो एसआई जो बाहर ओडिशा पुलिस ताहा भी किभ भाव में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे देखिपर स्टेप बाय स्टेप मुझे सब डिटेल्स मुझे देखेदेवि। तो यहाँ हूँ अप्लाई करेंगे किभ भाव में सही नेक्स्ट वीडियो में देखेदेवि। तो ये थी जो जो इम्पोर्टेन्ट रूल्स जो रेगुलेशन जहाँ सब डिक्लेयर करता आम चलत देखा यार जो सिलेबस किमी था। तो देखो ये अच्छे सिलेबस ये 400 मार्क्स था रिटर्न एग्जाम अच्छे 400 मार्क्स ये देखो पेपर ए पेपर 2 था। तो ये हिसाब से ये एग्जाम टी रुहे पेपर ए रे आपन को ये 2 आवर्स ये 2 आवर्स दुईटी फेज रोचे पेपर ए पेपर 2। तो ये आप देखिपे जनरल अवेयरनेस अच्छे मैथमेटिक्स अच्छे जनरल इंग्लीश अच्छी। तो यही भाव में पेपर 1 आम देखा पाऊ मानने गोटे दिन रही दुईटी एग्जाम हम आउ एग्जाम टी जे जो जो मैंने जो स्टेट अच्छा मानते स्टेट वाइज ये पोस्ट एग्जाम हम मानते आपर नियर स्टेट एग्जाम दे पारे इतने किसी असुविधा ना यहाँ OMR हम या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हेनी या OMR रे ही एग्जाम टी हम। तो ये नेगेटिव मार्क अच्छे तो यहाँ आप देखिपे नेगेटिव मार्क यहाँ 400 मार्क्स एग्जाम रुहे। तो प्रति जो इंडिविजुअली जो चैप्टर तक प्रोवाइड कर जनरल अवेयरनेस 50 मार्क मैथमेटिक्स 50 मार्क जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स कंप्यूटर जो अच्छे 25 मार्क्स ये भाव में सब विषय अच्छे। तो आम यहाँ नहीं भल भल वीडियो जाक प्रोवाइड करा जहाँ मध्यम सब प्राक्टिस करेंगे आ समस्ते भल रिजल्ट आने ट्राए करा। तो ये भाव में नेगेटिव मार्क मेनसन करदे 0.5 अच्छे नेगेटिव मार्क। तो ये नेगेटिव मार्क देखिकिना आप प्राक्टिस कर रही दरकार। तो यहाँ पर अच्छे स्किल टेस्ट हम जो कंप्यूटर टेस्ट रहा 50 मार्क्स 1 आवर ड्यूरेसन रो। तो कंप्यूटर टेस्ट उपर भी आम अलग भिडियो करवा ताइर मुझे आपको टाइपिंग किभली भाव में करेंगे कौ कौ जिन मन रखा दरकार कंप्यूटर कौन कौन रो ऑफिशियल वर्क कौन कौन रुहे सेगुड़ी नहीं गोटे अलग भिडियो करी जहाँ माध्यम आपड़ जापरेंगे। तो प्रथम आम ट्राए करें पेपर 1 को किभ भाव क्लीयर करा।
तो टिके नहींकर सबकि जानवे तो भिडियोटी एटा बहुत लंबा हो जाए मुझे खाली इतनी ही देखे दूसरे बहुत भल अपरच्युनिटी आसी मुझे खाली अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज कौट कौट के भैकेज अच्छी तहार भी मुझे गोटे छोट लिस्ट देखेद तो ये लिस्ट मेनसन करते आप देखिपे तो यही लिस्ट आप डाउनलोड करें आप देखिपारे यार स्क्रीनशॉट नहीं पारे देखी दिंतु तो यही हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज जे जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा से हिसाब से आप देखनी प्रिपेयर एवं स्टार्ट कर दिंतु आ बहुत अल्प दिन में यार एग्जाम हम सेप्टेम्बर ताकि अनाउंस कर दे तो मुझे देखी दूसरी आप एग्जाम हमारे जो क्राइटेरी मेनसन करते तो ये देखुवे आप मेनसन करजाम जो अच्छी एग्जाम हबार चान्सेस कौन एग्जाम तो होग्जाम स्टार्ट होयर ही सेप्टेम्बर में यार एग्जाम हम तो ये जो मैंने प्रिपेयर करना प्रिपेयर कर दिखाँ दिन रात ट्राए करूँ तो भिड बहुत लंबा हो तो ये मुझे शेष करुच्छे जहाँ भी आपको डाउट थी तुम कमेंट कर अफिशियल सैट जा कमेंट कर पार टेस्ट सीरीज गुड़ी आप प्राक्ट करते जहाँ मध्यम आप एग्जाम गुड़ी भल इजी बहुत अल्प समय क्लियर करके टिल देन बाय टेक केयर हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।